प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों प्रभु श्री राम को अयोध्या में विराजमान किए जाने पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने सहयोगियों के साथ हर्ष व्यक्त किया है। ठाणे के कोपिनेश्वर मंदिर में समारोह को लाइव देखने के बाद उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया। इसके बाद उन्होंने शिव सैनिकों के साथ ढोल नगाड़े बजाकर खुशियां मनाई है। एकनाथ शिंदे ने भगवान श्री राम को नमन किया है और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। 14 साल का वनवास खत्म हुआ, 500 साल का वनवास खत्म हुआ है। 500 साल से इंतजार था अयोध्या में राम मंदिर बने, करोड़ों राम भक्तों का सपना था, हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहब ठाकरे जी का सपना था अयोध्या में राम मंदिर बने और आज वो सपना पूरा हुआ है। जैसे देखा जाए तो करोड़ों राम भक्तों का और हमारे बाबा साहब ठाकरे जी का, ठाणे में हमारे आनंद के साहब का एक जो सपना था, जो निरंकार सेवा हुई थी, तभी आनंद के साहब के नेतृत्व में कार सेवा की गई थी, एक चांदी की भी अर्पण की गई थी, ये भी इतिहास लोगों को पता है। इसलिए अयोध्या और राम मंदिर ये हमारे लिए राजकीय विषय नहीं हो सकता।